आप क्या बोलना चाहेंगे केशव, मींस स्पेशली में कैटलाइजर के जो आपके मेंटर्स हैं उनके बारे में आपके व्यूज, स्पेशली प्रोफेसर विपिन जोशी सर, प्रोफेसर सुमित गर्ग सर और प्रोफेसर सुमित उपमन्यु सर के बारे में। विपिन सर की मेरे को आइडियोलॉजी बहुत पसंद है, मतलब उनका जो स्पिरिचुअलिटी है, उनका जो एकेडमिक्स के प्रति जो मतलब जो उनका सोच है एकेडमिक्स के प्रति, वो मेरे को बहुत हमेशा से पुश करते हैं। ये मतलब कि आपको एक रेजिमेंटेशन चाहिए लाइफ में, मतलब जैसे 4 बजे उठ रहे हो, एक दिन उठना तो कोई भी उठ लेगा, जो हर दिन उठ रहा है 4 बजे, जो हर दिन मतलब जिसको वो जीतना है, मतलब वो रेस जो है ये एकदम इसमें जीतने की जो लगन है वो उनसे जो सीखने को मिलता है, विपिन सर के जो वर्ड्स हैं वो हमेशा ऐसे मन में रहते हैं, तो मज़ा आता है मतलब। और उपमन्यु सर जैसा फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, मतलब वो फिजिक्स लगता है नहीं, वो एक स्टोरी लगती है, तो वो एकदम फ्लो में चलती है ना, मज़ा आ जाता है, मतलब फिजिक्स समझ में आता है, वो तो जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो अच्छे बनते हैं, तो बात बहुत एज मिलता है उपमन्यु सर, मतलब मज़ा आ जाता है उनसे पढ़ के। और गर्ग सर तो कम ही है, मतलब क्या कुछ भी कहे तो, मतलब मैथ्स उनसे अच्छा तो मैंने तो कहीं नहीं देखा है, मैंने पहले भी कहीं ऐसे यूट्यूब पर भी कभी कभी देखते हैं, मतलब जब देखते थे ऐसे बहुत पहले तो, लेकिन जो सर की जो ट्रिक्स होती है ना वो मेंस में जो काम आती है, जो उनकी जो डेप्थ है, वो जो अलग अलग तरीके वो बताते हैं मैथ्स में, मतलब बहुत मदद करते हैं एडवांस के क्वेश्चन में, मतलब कुछ कुछ तो इतनी जल्दी हो जाते हैं जो लोग बोलते हैं अरे यार ये कैसे कर लिया, तो सीखा है, बहुत मज़ा आता है इन क्लास में मैथ्स की, मतलब इतनी इंटरेक्टिव क्लास, मतलब मज़ा आ जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए मेंटर भी ये चाहेंगे कि उनके जो जो स्टूडेंट्स उनके अंडर हैं वो सबसे अच्छा करें, और जैसे जैसे एरा चेंज हो रहा है, नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देखेंगे तो मेंस में हर साल 20 से ज़्यादा पेपर्स हो रहे हैं, अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो उनके करने के तरीके भी डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैटलाइजर की जो टीम है एक ऑलवेज जो हमेशा अपडेट रहना चाहती है, नए पैटर्न के हिसाब से, नए क्वेश्चन के हिसाब से क्या नए कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, तो ये मैं हमेशा बाकी कलीग्स को भी बोलता हूँ जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं कि हमें हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि अभी क्या उस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरत है, हमारी प्रिपरेशन उससे ऊपर होनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे इसने कहा सर विपिन सर के बारे में, तो विपिन सर तो सभी के लिए, मतलब आज वॉट वी आर इट इज़ बिकॉज ऑफ सर, तो वो मतलब वो इनके गुरु हैं और वो हमारे भी गुरु हैं, तो जो हम सीखते हैं वो उन्हीं से सीखते हैं, है ना, और जो उनसे सीखा है वो हम इन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आज जो चीज़ हमारे थ्रू इन तक पहुंची है वो हमारे पास कहीं से आई है,